नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टार्ट में आपका स्वागत है। 9 तारीख के द हिंदू एडिटोरियल पेज के जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो लेके आए हम आपके सामने। आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, वीडियो सेशन की ओर। देखते हैं आज के 5 वो वर्ड जो इम्पोर्टेंट है काफी। जैसे आपके सामने पहला स्क्रीन पे है बल्लभ, बल्लभ प्रहार, करारा प्रहार करना। दोस्तों ये जो इमेज मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की आस्था या किसी व्यक्ति से संबंधित है और किसी की आस्था को चोट पहुंचानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक याद कराने के लिए ये भी इस तरह की फोटो तैयार की गई है, तो इस करके कोई रिएक्शन मत शो ऑफ करना। तो बल्लभ मतलब करारा प्रहार करना, जैसे आप दिख भी रहा है इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे युवराज सिंह ने एक बार एक ही ओवर में 6 छक्के मारे थे तो बहुत ज्यादा करारा प्रहार किया था। बल्लभ मतलब प्रहार करना, करारा प्रहार करना। बल्लभ क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। स्ट्राइक और हिट वेरी हार्ड, दे ब्लव द बैक ऑफ हिज हेड विद द स्टिक। ये साथ के साथ एग्जाम्पल भी है ताकि वो मीनिंग समझ में आए। स्ट्राइक और हिट वेरी हार्ड, दे ब्लव द बैक ऑफ हिज हेड विद स्टिक। क्लियर हो गया, ये वर्ब है यानी कि किसी को मारना। हैविली डिफीट हो सकता है एन ओपोनेंट, बुरी तरीके से हराना। वी वर ब्लॉक बाय मिलन, नाउन भी है ये। एक नाउन का मतलब क्या हो गया, हैवी ब्लो और पंच, जो ऊपर हमने बात भी की स्ट्राइक और हिट वेरी हार्ड, उसी का नाउन बन गया हैवी ब्लो और पंच। आई गेव इट अ ब्लो विद माय बूट। ब्रिटिश अल्कोहलिक ड्रिंक स्पेशली बियर, ब्रिटिश से रिलेटेड है। एन एंडलेस सप्लाई फॉर फ्री ब्लू, नॉर्थ अमेरिका में इसका मीनिंग हो गया अ पावरफुल इफेक्ट, द स्किप पैक्स अ ब्लू वलफ। तो ब्लफ का मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या हो गया, वही प्रहार करना या फिर खूब मारना, जोर से मारना। ओरिजिन की बात करें दोस्तों, ये मिडिल इंग्लिश वर्ड है, अ नाउन डिनोटिंग अ हॉर्सेस ग्लोव को जो है डिनोट करने के लिए, और नॉर्थन फ्रेंच ब्लफ नाउन है, वल्पर वर्ब है, परहैप्स फ्रॉम अ ग्रामेटिक फ्रेज मीनिंग रन वेल से फ्रॉम द बेस ऑफ वेल वन लीफ। ये किसी किसी वर्ड के इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि हमें बाद में ऑरिजिन से याद रह जाते हैं वर्ड कई बार। तो अगर इसकी सेंटेंसेस की बात की जाए तो आप स्क्रीन पे सेंटेंसेस देख भी सकते हो, जैसे के एल राहुल स्लैम्स 100 ऑन डेप्थ एज इंडिया ब्लो। तो करारा प्रहार किया इंडिया ने जब के एल राहुल ने उसके डेप्थ में फर्स्ट मैच में ही 100 मारा। उसके बाद यूरो 2016 की बात हो रही है, वेल्स ब्लफ बेल्जियम टू सील सेमीफाइनल स्पॉट। याद करने के लिए आप इसको बॉल प्लस अप कर सकते हो, ब्लफ पढ़ते ही बॉल के ऊपर चढ़ गया, जैसे ही उसको मार पड़ने लगी बुरी तरीके से, उस पर प्रहार होने लग गए, वो बॉल के ऊपर चढ़ गया, बॉल अप। तो ब्लफ का मतलब बुरी तरह से प्रहार करना या मार पड़ना। क्लियर हो गया ब्लफ पहला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखे तो दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हो गया कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन मीन्स घबराहट, जैसे ये आप देख भी रहे, भगरा भागो गब्बर कॉजेस कॉन्स्टर्नेशन मीन्स घबराहट, गब्बर के कारण घबराहट हुआ करती थी। आपने सुना भी होगा फेमस डायलॉग शोले मूवी के ये, तो कॉन्स्टर्नेशन क्या हो गई, घबराहट। पिक्चर की हेल्प से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल रही होगी, मदद मिल रही होगी। सिनोनियम्स की बात की जाए कॉन्स्टर्नेशन के, सिनोनियम्स का हो या मीनिंग, पहले मीनिंग देख लेते हैं एक बार। नाउ ये एक नाउन है, कॉन्स्टर्नेशन मीन्स घबराहट, व्याकुलता, सनसनी वगैरह। अ फीलिंग ऑफ एंग्जायटी और डिसमे, टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जैसे अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए। टू हर कॉन्स्टर्नेशन हर कार वुडन स्टार्ट, कॉन्स्टर्नेशन जैसे यहाँ हिंदी मीनिंग दे भी रखा है, व्याकुलता, सनसनी और घबराहट। तो अगर इसके सिनोनियम्स की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, अमेजमेंट, जैसे ये मीनिंग को वो कर भी रहा है, एनेक्सिटी और खुद डिसमे भी अपने आप में क्या है, इसके सिनोनियम्स है, यहाँ दिखा भी रहा है। एस्टोनिशमेंट, ये आपको पेपर में मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिनोनियम है, आपको ये मिल सकता है, आपसे सिनोनियम में कॉन्सटर्नेशन आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री या पैनिक, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, सरप्राइज तो आपको पता ही है। और तो एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे इसका, सेटिस्फेक्शन। 17th सेंचुरी का ये वर्ड है, अर्ली 17th सेंचुरी का, फ्रॉम लेटिन कॉन्सटर्नेशन, फ्रॉम वर्ब कॉन्सटर्नेयर, ले प्रोटेस्ट और टेरिफाई, मीन्स किसी को डराना। तो कॉन्सटर्नेशन सेंटेंसेज में बात की जाए तो कॉन्सटर्नेशन की आपकी स्क्रीन पे सेंटेंसेज आपको दिख रहे हैं, कॉन्स्टर्नेशन ओवर भोपाल इनकाउंटर, जो भोपाल में इनकाउंटर हुआ उनका एक भय बैठ गया है। ट्रम्प काज कॉन्स्टर्नेशन इन दिसंबर 2015 बाय मोटिंग अ बैन ऑन ऑल मुस्लिम्स ट्रेवलिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट में जितने मुस्लिम्स ट्रैवल करते हैं उन पे बैन लगा दिया था ट्रम्प ने, आने से
मतलब उनका पूरी चेकअप वगैरह उसके बाद, और कहीं पे बैन ही लगा दिया था बिल्कुल, तो वो क्या हो गया, कॉन्सटर्नेशन कर दिया था, एक घबराहट पैदा कर दी थी, संशय पैदा कर दिया था, अनएक्सपेक्टेशन पैदा कर दी थी। देयर सीम्स टू बी कॉन्सटर्नेशन विद द कांग्रेस ऑन प्रपोज्ड ग्रैंड अलायंस इन उत्तर प्रदेश ऑन द लाइन्स ऑफ बिहार। याद करने के लिए कॉन्सटर्नेशन को कैसे याद कर सकते हैं, कॉन्सटर्नेशन को कॉन्स्टर को वर्ड को कर सकते हैं, और मॉन्स्टर से रिलेटेड, और मॉन्स्टर वर्ड आते ही आपके माइंड में क्या आएगा, गब्बर, तो भागो रे भागो, गब्बर आया, मॉन्स्टर इन आवर नेशन विल काज कॉन्स्टर्नेशन। क्लियर हो गया कॉन्स्टर्नेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हो गया स्टेडिया। स्टेडिया मीन्स मिर्गी, या तो एक अनएक्सपेक्टेड, या एक्साइटमेंट में जो हम एकदम से उछलते हैं वगैरह कुछ करते हैं, एक्साइटमेंट हो जाती है ना ज्यादा, वो भी क्या होता है स्टेडिया। स्टेडिया मिर्गी भी है और एक्साइटमेंट भी है। तो जैसे ही आपको ये स्क्रीन पे ये पिक्चर दिखा रही है, इसको इंटरप्रेट किया, चाइना सपोर्टिंग पाकिस्तान 100 बार, स्टेडिया मीन्स कुछ ऐसा कि एक एक्साइटमेंट भी हो, अलग से मेंटल डिसऑर्डर भी हो, ये भी क्या होता है स्टेडिया का मीनिंग ही होता है। बात करते हैं इसके सिनोनियम्स के और हिंदी मीनिंग की। स्टेडिया के सिनोनियम्स हो गए जैसे अलार्म, और हमने अभी ऊपर भी बात किया था कॉन्सटर्नेशन में भी, कॉन्सटर्नेशन भी क्या है, सिनोनियम है स्टेडिया का। जैसे मेंटल डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस अकेला, डिरेंजमेंट, आपको पेपर में ये इंपॉर्टेंट है, डिलीरियम ये पेपर में मिल सकता है आपको, उसके अलावा पेपर में कोई और नहीं मिलेगा, ये डिलीरियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिलता रहता है। डिस्ट्रेस इसका मीनिंग है लॉस ऑफ रीजन, लॉस ऑफ कंट्रोल, फ्रेंजी ये नहीं मिलेंगे आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते। न्यूरोसिस मिल सकता है, न्यूरोसिस इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा इंग्लिश टू इंग्लिश में, एग्जैक्ट एग्जैग्रीगेटेड, जो ये भी मिल सकता है, ये सिनोनियम में रख सकते हो आप, और अनकंट्रोलेबल इमोशन एक्साइटमेंट। नाउन है एन ओल्ड फैशन टर्म फॉर अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो अभी बात भी किया मैं, जिसे मिर्गी कहते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जन ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इनटू फिजिकल सिम्टम, सोमेटाइजेशन जिसे कहते हैं। सोमेटाइजेशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, फिजिकल सिम्टम्स में, और चेंज इन सेल्फ अवेयरनेस, जिसे हम मिर्गी कहते हैं या वांतो मात कहते हैं। तो स्टीरिया क्लियर हो गया होगा, स्टीरिया एक वर्ड है जिसमें फिजिकल डिसऑर्डर चेंज किया जाता है, फिजिकल डिसऑर्डर समझा जाता है किस केस में, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस किस में चेंज हो जाता है, फिजिकल सिम्टम्स में, या कहो कि एक्साइटमेंट, अनकंट्रोलेबल इमोशन और एक्साइटमेंट। स्टीरिया को सेंटेंसेस में अगर देखो आप, तो सेंटेंसेस में डेमोक्रेट्स नीड टू गेट पास द स्टीरिया एंड मूव ऑन, जो उनका एक्साइटमेंट है डेमोक्रेट्स वगैरह की, तो उनको बढ़ते हैं। इन दिस बायोग्राफी ऑफ खन्ना गौतम चिंतामणि वाज अटेम्प्टेड टू एक्सप्लोर द स्टीरिया अराउंड हिम, यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी एंड वेडनेसडे रेडिक्यूल द ऑनगोइंग फैमिली स्टीरिया इन द समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी में जो ये चल रहा था उस समय जब यूपी इलेक्शंस हो रहा था, तो उसकी बात हो रही है। अगर याद किया जाए हिस्टीरिया को किससे रिलेट कर सकते हो आप, हिस्ट्री से। हिस्ट्री की मिस्ट्री क्या होती है, एक्साइटमेंट होती है, क्रिएट्स लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, तो जैसे डायनासोर्स हिस्टीरिया है, तो ये क्या हो गया, ये एक्साइट अलग अलग एक्साइटमेंट क्रिएट कराते हैं, मन मन में समंजस क्रिएट कराती है, यार ये भी जानना है ये भी जानना है, तो वो क्या हो गया हिस्टीरिया, या कहो मिर्गी, ये साइकोलॉजिकल भी है और अनकंट्रोल्ड इमोशन और एक्साइटमेंट भी है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इंफ्रिंजमेंट, उल्लंघन करना, या जैसे यहाँ पे क्या है, बीवीए डॉक्टर डॉग्स, डॉग्स का आना मन है, फिर भी एक डॉग दिखा रखा है, इसका मतलब इसने लॉ का इंफ्रिंजमेंट किया है, लॉ तोड़ा है, उल्लंघन किया है, तो इंफ्रिंजमेंट क्या हो गया, उल्लंघन करना, लॉ से रिलेटेड है ये। जैसे लिखा भी द एक्शन ऑफ ब्रेकिंग द टर्म्स ऑफ लॉ एग्रीमेंट ईटीसी, कि लॉ को तोड़ना, एग्रीमेंट को तोड़ना, उसको क्या कहते हैं इंफ्रिंजमेंट, या वॉयलेशन कह सकते हो, एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ द लॉ। नाउन ये भी है, इसका मीनिंग द एक्शन ऑफ लिमिटिंग और अंडरमाइनिंग समथिंग, किसी को लिमिट में रखना, अंडरमाइन करना, द इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। हिंदी में देखे तो अति लंघन करना, उल्लंघन करना, या अतिक्रमण करना। सिनोनियम्स हो गए इसके, ब्रीच इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में मिल सकता है, कॉन्ट्रावेंशन मिल सकता है, डिस्टर्ब इनक्रोचमेंट मिल सकता है, ये आपको पेपर में मिल सकता है, डिसरप्शन मिल सकता है, वॉयलेशन, ये इसके क्या हो गए सिमिलर मीनिंग्स। नॉन कंप्लायंस हो गया, तो एंटोनियम्स क्या हो गया कंप्लायंस, या कहो प्रिजर्वेशन स्ट्रेंथनिंग, किसी चीज को स्ट्रेंथनिंग करना, जैसे लॉ को स्ट्रेंथन दे देना कि भैया इसको तो तोड़ ही नहीं सकते, तो क्या हो गया
वो हो गया इन्फ्रिंजमेंट का अपोजिट वर्ड। इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? लॉ को तोड़ना, जैसे ट्रैफिक रूल्स को हम तोड़ते रहते हैं, तो ट्रैफिक इन्फ्रिंजमेंट भी होता है। क्लियर हो गया? ये 16th सेंचुरी का वर्ड है, फ्रॉम लैटिन इन्फ्रिंजिंग से बना है, इसलिए ये कईयों के ओरिजिन इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं से वो याद हो जाता है। लेट इन्फ्रिंजरी एक वर्ब थी जिससे बनाया, कि इन मतलब इन टू, और फ्रिंजरी मतलब क्या हो गया, फ्रिंजरी मीन्स टू ब्रेक, तोड़ना। सेंटेंसेस में देखे तो अगर और अच्छे से क्लियर करने के लिए, यूट्यूब टू MP3 कन्वर्टर श्योर फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अगर आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो को MP3 में कन्वर्ट करके फिर से यूज करते हो, तो वो भी क्या है, कॉपीराइट के लिए इन्फ्रिंजमेंट है, कॉपीराइट के लॉ को तोड़ देती है। अज्यूरी हैड क्लियर गूगल ऑफ कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट इन मे दिस ईयर। सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट नो एक्शन फॉर इंफ्रिंजमेंट कैन बी टेकन फॉर एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। सेक्शन 27 एक्ट का ये कहता है कि उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है, कि जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है अगर उनको कोई इंफ्रिंज करे। याद करने के लिए, वही इंफ्रिंज या कहो इन फिरंगी, इंडिया में फिरंगी आए थे अपने आप उन्हें अपनी उससे, या कहो पाकिस्तानी क्रॉसिंग LOC एंड कमिंग टू इंडिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो गया स्कैथिंग, दिख भी रहा होगा। स्कैथिंग मीन्स कटु आलोचना करना, आलोचनापूर्ण, सॉरी, कटु आलोचनापूर्ण मीन्स बहुत ज्यादा आलोचना करना। जैसे ये आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है, कह रहा मेरा नाम है ईबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला, तो क्या है, बहुत ज्यादा आलोचना कर रहे हैं, आलोचना वाला अटैक कर रहा है। तो स्केटिंग क्या हो गया, कटु आलोचना करना। स्केटिंग क्या हो गया, कटु आलोचना करना, या फिर कहो तीखा भी कह सकते हो, हानि पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, जिसे कह सकते हैं विदलिंगली स्कॉर्नफुल, सिवियरली क्रिटिकल। केजरीवाल लॉन्च स्केटिंग अटैक ऑन प्राइम मिनिस्टर। सिनोनियम्स क्या हो गए, एसिड, जैसे एसिड क्या होता है, तीखा होता है, हानि पहुंचाने वाला, बीटर भी आप यूज कर सकते हो, पेपर में मिल सकता है आपको, ब्लिस्टरिंग काफी इंपॉर्टेंट है, डिवास्टेटिंग इसके मैक्सिमम मिल सकते हैं, कॉस्टिक, फियर्स, मोराइडियस, मोराइडियस, मॉडर्न, सेवेज, स्कॉर्जिंग, स्कॉर्नफुल इंपॉर्टेंट है काफी, ये सिनोनियम्स इसके, विरुलेंट ये भी मिल सकता है, अनस्पेयरिंग इंपॉर्टेंट है, फिरोसियस इंपॉर्टेंट है। तो इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, जेंटल या फिर माइल्ड, माइल्ड जो नुकसान ना पहुंचाए, कॉम्प्लीमेंट्री जो किसी के लिए अच्छे वर्ड्स हो। तो ये क्लियर हो गया, स्कैथिंग का मीनिंग भी क्लियर हो गया, सिनोनियम हो गया, एंटोनियम्स हो गए, हिंदी मीनिंग हो गया। सेंटेंसेस में देखे तो इसके सेंटेंसेस, जैसे दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल मेड अ स्कैथिंग अटैक ऑन BJP स्टेट गवर्नमेंट इन गुजरात फॉर यूटिलाइजिंग फोर्स ड्यूरिंग द पटेल एग्रीशिएशन। BJP एट नेशनल काउंसिल लॉन्च्ड अ स्कैथिंग अटैक ऑन पाकिस्तान फॉलोइंग द यूरी टेरर अटैक। तो इन दोनों सेंटेंसेस से आपको क्लियर हो गया होगा स्केटिंग वर्ड को यूज कैसे करना है एज अ मीनिंग। और याद करने के लिए, वो स्केरी थिंग मींस जो ड्राई, वो वस्तु जो ड्रा दे, मींस तीखा, जो हानि पहुंचाने वाली। तो ये थे आज के 5 वर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।